मॉर्निंग स्टूडेंट, यस्टरडे वी शुड राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू, वेरी शॉर्ट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट आवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर थ्री, आवर चेंजिंग अर्थ। दिन प्रतिदिन रोज कुछ न कुछ हमारे इस पृथ्वी में बदलाव होते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, उसी को हम लोग चेंजिंग ऑफ द अर्थ करते हैं। लुक एट द वर्ल्ड मैप गिवन केयरफुली। आपके बुक में भी एक छोटा सा दिया हुआ है मैप, नक्शा हमारे पूरे वर्ल्ड का, दुनिया का। यू विल प्रोबेबली ऑब्जर्व दैट द शेप्स ऑफ द कंटिनेंट एंड हैव ए फैमिलियर पैटर्न। जितने भी महाद्वीप हैं, महादेश हैं, सबका उसमें अलग अलग करके वर्ल्ड के मैप में बताया गया है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो पूर्वी समुद्र तट का भाग है, कैन प्रोबेबली फिट इनटू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वह अफ्रीका के कोस्टल वाले क्षेत्र में, समुद्री तट वाले क्षेत्र के पश्चिमी भाग से पड़ता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कैन फिट नियर द इंडियन लैंड मास। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महादेश जो है, वह हमारे इंडियन लैंडमार्क के आसपास से दर्शाता है। इन द गैप विच इज नाउ फिल अप बाय द बे ऑफ बंगाल। और इंडियन लैंडमार्क और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच का जो गैप है, अंतर है, उसी में हमारे बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल पड़ते हैं। What seems to emerge is that earlier all continents were clustered together as a super continent called Bengal। बहुत पहले, आज से कई हजार वर्ष पहले की बात है, जितने भी महाद्वीप आज हमें अलग अलग भागों में दिखाई देते हैं, ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट के, एक ही महाद्वीप के, एक ही महादेश के नाम से जाने जाते थे, जिनका नाम था बंगालिया, विच इज एक्चुअली ए ग्रीक टर्म मीनिंग ऑल अर्थ। एक ग्रीक भाषा से लिया गया एक वर्ड है जिसका अर्थ मतलब होता है ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी। द थ्योरी ऑफ बंगालिया वाज फर्स्ट प्रपोज बाय अल्फ्रेड वेगनर। ये हमारे ज्योग्राफर हैं, इन्होंने इस थ्योरी को डिटेल्स रूप में बताया था, ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट इन एडी 1915 में। द सेवन कॉन्टिनेंट्स विच एग्जिस्ट नाउ हैव कम इनटू देयर प्रेजेंट शेप ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स एज शोन इन द फिगर। और लाखों करोड़ों वर्ष लग गए हमारे लिए सात भागों में कॉन्टिनेंट्स को बंटने में। उसके बहुत से कारण हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। अर्थ पैक कारण है, वॉल्केनोज कारण है, लैंडस्लाइड कारण है, बहुत से कारण हैं जिसके वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स आपस में बढ़ते टुकड़े के रूप में चले गए। तो पहले हम लोग जानेंगे अर्थ मूवमेंट के बारे में। व्हाट इज अर्थ मूवमेंट? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ लार्ज एंड ए स्मॉल प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। हमारी जो पृथ्वी है, ऊपर के क्रस्ट वाले भाग को जिसको हम लोग कहते हैं,
हुआ लिथोस्फेरिक, यानी कई टुकड़ों में जो बटी हुई है सेवन टुकड़ों में, उसी को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, भूमि मंडल का प्लेट कहते हैं। देर आर सेवन मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स विच मूव स्लोली। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको हम लोग प्लेट्स भी कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, वह धीरे धीरे मूवमेंट करता है, जहां भी है वह धीरे धीरे मूवमेंट करता है, घूमता रहता है। द मूवमेंट ऑक्यूर ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द मॉल्टेड मग्मा इनसाइड द अर्थ। इसका मुख्य कारण है जो हमारी पृथ्वी के नीचे गर्म तरल पदार्थ है जिसको हम लोग मॉल्टेड मग्मा कहते हैं, और जब वह बाहर आता है तो लावा कहते हैं। वो इतना ना गर्म है, हमारी पृथ्वी के नीचे इतना ना अधिक टेम्परेचर है जिसके वजह से, उस टेम्परेचर के कारण हमारी जो प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट है वह धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती है। इनसाइड अर्थ विच मूव इन ए सर्कुलर मैनर, धीरे धीरे सर्कुलर मैनर में वह सर्किल के रूप में मूवमेंट करती रहती है। दीज मूवमेंट्स विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इसी को हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। कॉज चेंजेज ऑन द अर्थ सरफेस, और इसी के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ रोज बदलाव होता रहता है। हम लोग भी उसको देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम, दीज मूवमेंट्स आर नेम्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक होता है इंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। यानी तो इंडोजेनिक फोर्सेज किसको कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेज एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नीचे जो मूवमेंट होते रहते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं उसी को हम लोग इंटीरियर मूवमेंट कहते हैं या इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। यानी नीचे जो बल लग रहा है पृथ्वी के नीचे, जो हमारे प्लेट्स मूवमेंट कर रहे हैं उससे जो बल लग रहा है, लीडिंग टू अर्थक्वेक्स, जिसके वजह से जब दो प्लेट आपस में मूवमेंट करते करते नजदीक आ जाते हैं और सटने लगते हैं तो हमारी पृथ्वी में कंपन होने लगता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहते हैं। दूसरा कारण है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी प्रति है एकाएक, और उसमें से गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हो जाता है लावा के रूप में, तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। एंड लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड भूमि जो है थोड़ा सा दब जाती है जिसके वजह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर से बड़े बड़े चट्टान गिरने शुरू हो जाते हैं, धरतियां फट जाती हैं, है ना, और उसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। अब है एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेज वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सोजेनिक फोर्सेज का अर्थ हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जो बदलाव होता रहता है इन्हीं सब कारणों से, उसी को हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेज कहते हैं। एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिटल फीचर्स, यानी एक जगह से जो टूटता है और दूसरे जगह जाकर डिपोजिट होता है, एकत्रित होता है, ऑफ विंड,
हवा के कारण हम लोग देखते हैं जोड़ों की जब आंधियां चलती हैं, काफी जोड़ों से जब आंधी जो है अपना वेग में रहता है तो हम लोग देखते हैं एक जगह की मिट्टी उड़ती है, उसी को इरोजनल कहते हैं, और दूसरे जगह जाकर वह मिट्टी एकत्रित हो जाती है, वहां जाकर स्थिर हो जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक जगह के जब तूफानी हवा चलती है तो काफी अधिक मात्रा में बालू जो है उड़ते हैं, सैंड उड़ते हैं और जाकर एक जगह टकरा कर गिर जाते हैं, उसी को हम लोग डिपोजिनल कहते हैं, जहां गिरते हैं उसको डिपोजिनल कहते हैं, एकत्रित होता जाता है, और जहां से वह उड़कर चलता है उसको हम लोग इरोजनल कहते हैं। ऑफ विंड वाटर एंड आइस, ये मुख्य तीन कारण से होता है मुख्य रूप से, ऐसे तो और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है विंड, हवा के माध्यम से वाटर, वर्षा के माध्यम से। हम लोग देखते हैं जब वर्षा होती है तो जहां खाली जगह होता है वहां जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वहां की मिट्टी कटकर एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे बहते हुए और जाकर दूसरे जगह डिपोजिट हो जाती है, उसी को हम लोग डिपोजिट कहते हैं, एकत्रित होना कहते हैं, और वह मिट्टी जहां से कटती हुई जा रही है उसको हम लोग इरोजनल कहते हैं। एंड आइस, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जब बर्फ, जिसको हम लोग हिमखंड कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, जब वह नीचे की ओर स्लो मूवमेंट में आने लगता है तो वह चलने के क्रम में, मूवमेंट के क्रम में रास्ते में जो भी चीजें उसको मिलती हैं उसको वह इरोजनल करता चलता है, तोड़ता चलता है और अपने साथ लेकर जाकर दूसरे जगह जमा कर देता है, जिसको डिपोजिनल करते हैं। क्लियर? नो डाउट? अब आगे देखेंगे हम लोग। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट कैन एदर बी स्लो और सडन। ये जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट करता है ये काफी स्लो होता है, काफी धीमी गति से ये मूवमेंट करता है, और सडन अचानक जो है वह मूवमेंट करते करते अपना रूप बदल भी सकता है। स्लो मूवमेंट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। स्लो मूवमेंट के कारण ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है। व्हाइल सडन वंस और अर्थक्वेक, और कभी कभी जब दो प्लेट आपस में थोड़े से भी सटते हैं, नजदीक आते हैं, तो दो प्लेट जब आपस में टकराते हैं या सटते हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कंपन होने लगता है, जिसको कि हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। एंड वोल्केनिक इरप्शन, या ज्वालामुखी भी फटती है। बट इन ऑल दी थ्री चेंजेस, लेकिन ये जो चेंजिंग होता रहता है, वन थिंग इज ट्रू दैट इफ दे ऑक्यू सडनली दे कैन बी डिजेस्टस फॉर लाइफ फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टी। लेकिन ये सच्चा है, ये सच्चाई है कि जब भी ये होते हैं, अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो, जो सडनली होता है यानी अचानक होता है, और होने के बाद यह हमारी पृथ्वी के ऊपर काफी क्षति पहुंचाता है, हर एक तरह से, लाइफ के लिए भी, प्रॉपर्टी के लिए भी यानी संपत्ति के लिए भी, और जीवन के लिए भी। लाखों लोग जो है घर से बेघर हो जाती है, संपत्तियां लोगों की बर्बाद हो जाती हैं, जीवन लोगों का अंत हो जाता है। अब है वोल्केनोस,
एरोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ए वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच वॉल्टेड मैग्मा और लावा इरप्ट सडनली। ये शेप है, यहां से जब अचानक इस पोर्शन से वॉल्टेड मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है और वह वोल्टेज बनना पृथ्वी के सतह पर धीरे आकर धीरे धीरे जमा होने लगता है, कुछ नीचे में भी रह जाता है, कुछ ऊपर सतह पर भी आकर जमा होता जाता है, जो कि अचानक होता है। दिस लावा एक्युमुलेट्स अराउंड द वेन, ये जो लावा है ये वेन के द्वारा, इसी को वेन कहते हैं, यहां पर आकर धीरे धीरे जमा होने लगता है एंड फॉर्म्स ए कॉनिकल हिल और ए माउंटेन, और यहां पर कॉनिकल नुमा यानी धीरे धीरे जमा होता जाता है, कॉनिकल रूप में यह आता जाता है और ये एक माउंटेन का रूप बन जाता है कुछ दिनों के बाद, यानी कि धीरे धीरे ठंडा होने के बाद ये चट्टानें जो है माउंटेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। विथ ए फ्यूनियल सेल डिप्रेशन ओपनिंग एट द टॉप विच इज नोन एज ए क्रेटर, और जहां पर जाकर ये जमा होता जाता है इसी को हम लोग क्रेटर कहते हैं। एंड इरप्शन टेक प्लेस, द इरप्टेड मटेरियल एक्युमुलेट्स अराउंड द क्रेटर एंड फॉर्म्स ए कॉनिकल हिल नोन एज वॉल्केनिक कोन, ये कोन का निर्माण होता है, इसी को हम लोग वॉल्केनिक कोन कहते हैं। दिस इरप्शन कैन आइदर बी एक्सप्लोसिव और क्वाइट, अचानक भी होता है काफी क्षति पहुंचाते हुए, और क्वाइट और धीमी गति से भी वह बिल्कुल शांति रूप से जाकर जमा हो जाता है। एंड एक्सप्लोसिव इरप्शन ऑक्यूज थ्रू ए नैरो वेन एंड लावा एक्युमुलेट्स अराउंड द क्रेटर फॉर्मिंग ए कॉनिकल शेप्ड हिल लाइक माउंट फ्यूजियामा, जो जापान में है माउंटेन फ्यूजियामा, वह इसी लावा से इसी वॉल्केनोज के द्वारा निकले हुए लावा से बना हुआ माउंटेन कहलाता है। एंड माउंट वेसुवियस जो कि इटली में है, और माउंटेन वेसुवियस जो है इटली में पाया जाता है, जो कि वॉल्केनोज के माध्यम से बना हुआ है। द क्वाइट इरप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटूज लाइक द डेकन प्लेट, और जो शांति रूप से बिल्कुल धीरे धीरे लावा निकलकर एक्युमुलेट होता है पृथ्वी के ऊपर जमा होता जाता है, जिसके वजह से हमारे यहाँ के डेकन प्लेटूज पठारी क्षेत्र बने हुए हैं। प्लेटूज मीन्स लेकिन पठार। इन सच इरप्शन लावा ओजोन थ्रो सेवरल नैरो क्रैक्स एंड स्प्रिट ओवर ए लार्ज एरिया फॉर्मिंग लावा सिंक्स, कई जगहों से यह निकलता जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ही जाता है, नीचे भी। पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ लावा जो है नीचे भी धीरे धीरे स्लोली रूप से जमा हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, जो चट्टान एक पर एक तब पर तब जमा होता चला जाता है। ओके थैंक्स, टुमारो वी विल एक्सप्लेन अबाउट एक्स्ट्रा